अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिल्द पर होने वाले महासों के हवाले से और कुछ ऐसी कुदरती रेमेडीज के हवाले से बात करूंगा जिससे आप बखूबी तौर पर महासों से निजात हासिल कर सकते हैं और ये रेमेडीज हमारी जिल्द की सेहत के लिए भी मुफीद साबित होती हैं। हमारी जिल्द पर मौजूद बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें पोर यानी के मसाम कहा जाता है। जब इन मसामों के अंदर आयल जमा होना शुरू होता है, डेड स्किन जमा होती है, बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और डस्ट यानी के धूल मिट्टी जमा होती है तो ये महासों की वजह बन सकती है। महासों का होना हमारी जिल्द की सालमियत के लिए नुकसान की वजह बनता है। ये हमारी जिल्द की रंगत को तब्दील कर सकता है, हमें सोजिश का शिकार बना सकता है, हमारी जिल्द पर रेडनेस यानी के सुर्खी का आना हो सकता है। ये एक तकलीफ दे अमल है। वो अफराद जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं उनके अंदर देखा गया है कि महासे पैदा होते हैं। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंदर मुब्तला खवातीन के चेहरे पर महासे हो सकते हैं। वो अफराद जिनके सबीशियस ग्लैंड ज़्यादा आयल की प्रोडक्शन करते हैं वो भी महासों का शिकार हो सकते हैं। सिगरेट नोशी भी महासों की वजह बनती है। चलिए जानते हैं कुछ होममेड रेमेडीज़ के हवाले से जो कि आप बखूबी तौर पर अपने घर पर बना सकते हैं या उनका इस्तेमाल बखूबी तौर पर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगा टी ट्री ऑयल के हवाले से, जिसे रोगने टी ट्री भी कहा जा सकता है। ये हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है यानी कि बैक्टीरियास को ख़त्म करने वाली खसूसियात रखता है। हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। हमारी जिल्द पर मौजूद महासों की वजह से सोजिश को ख़त्म करने में भी मदद फराहम करता है। तहकीक से ये चीज़ देखी गई है कि 5% अगर टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारी जिल्द की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है, हमें महासों से निजात दिलाता है। तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करूं तो आप एक ड्रॉप इसका लें, इसके अंदर रोगने बादाम शामिल कर लें। रोगने बादाम शामिल करने के बाद आप रुई की मदद से इसे अपने महासों पर बखूबी तौर पर लगा सकते हैं। इससे पहले आपको चाहिए कि आप अच्छी तरह से अपने मुंह को धो लें ताकि धूल मिट्टी हट जाए। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल बखूबी करें। दिन में 1 से 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फौरी तौर पर आपको महासों से राहत दिलाने में मुफीद साबित होगा। बहुत सारे और कुदरती तेल भी हमें महासों से निजात दिलाने में मुफीद साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर लौंग का तेल हो गया, दालचीनी का तेल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, गुलाब का तेल हो गया। ये हमें सोजिश से महफूज रखने में और हमारे चेहरे से महासों को ख़त्म करने में मददगार साबित होते हैं। अगर तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो आप 10 कतरे लौंग के तेल का इस्तेमाल 30 ml आलमंड ऑयल के साथ कर सकते हैं और रुई के साथ अपने चेहरे पर इसे दिन में 1 से 2 दफ़ा लगा सकते हैं। याद रहे कि ये अप्लाई करने से पहले आपको चाहिए कि आप मुंह को अच्छी तरह से धो लें ताकि धूल मिट्टी से आपको निजात हासिल हो सके और फिर अपने पिंपल यानी कि महासों पर इसे बखूबी तौर पर लगाएं। इससे बहुत जल्द आपको महासों से निजात हासिल हो जाएगी। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल, सब्ज़ चाय का इस्तेमाल भी महासों को कम करने में मदद फराहम करता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, टैनन्स पाए जाते हैं जो कि महासों को कम करने में मददगार साबित होते हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली खसूसियात रखती है। इसके साथ एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात रखती है, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है, हमारी जिल्द की सालमियत के लिए मुफीद समझी जाती है। तहकीक से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि 2 से 3% सब्ज़ चाय का एक्सट्रैक्ट महासों को कम करने में मददगार साबित होता है। तरीका इस्तेमाल के हवाले से जानते हैं कि एक आप सब्ज़ चाय का टी बैग ले लें, उसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आप पानी के अंदर बॉयल कर लें, उसका कहवा बन जाएगा। जब उसका कहवा ठंडा हो जाए तो आप उसे किसी भी कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगा सकते हैं या किसी भी स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल भी आप बखूबी कर सकते हैं, उसके अंदर इसे शामिल कर लें और अपने फेस पर स्प्रे कर सकते हैं। याद रहे कि इससे पहले आप अच्छी तरह से अपने मुँह को धो लें, उसके बाद इसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पर अप्लाई करें। ये सोजिश को कम करने में मददगार साबित होगा, महासों को कम करने में मददगार साबित होगा। एलोवेरा का इस्तेमाल, एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत अरसाए दराज से जिल्द की बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारी जिल्द की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। ये हमारी जिल्द को माइस यानी कि नमी से भरपूर रखता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली खसूसियात रखता है, हमारी जिल्द से ऑयल की प्रोडक्शन को कम करने में भी मददगार साबित होता है। बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप एलोवेरा का पत्ता ले लें, उसे अच्छी तरह से वॉश करके उसके अंदर से जेल को निकाल लें,
और अपने मुंह को अच्छी तरह से धोकर अपने हाथों के साथ अपने मुंह पर लगा सकते हैं। अगर आप दिन में एक से दो दफ़ा अपनी जिल्द पर लगाएंगे तो आपको सूदिंग इफेक्ट आएगा, मुहासों से निजात दिलाने में मददगार साबित होगा, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, आपको बहुत सारे बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन होने से भी महफूज रखने में मदद फराहम करेगा और बहुत जल्द हमें मुहासों से निजात दिला सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि कैसे हम अपने आप को मुहासों से महफूज रख सकते हैं, कुछ होममेड रेमेडीज़ के हवाले से बात हुई जिनको आप बखूबी तौर पर अपने घर पर बना सकते हैं और फौरी तौर पर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, सदा खुश रहें। अस्सलामुअलैकुम।